मटन यानी गोट मीट बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट को चॉप करेंगे। टोमेटो, गार्लिक, ओनियन एंड ग्रीन कोरिएंडर को चॉप करेंगे। फिर मटन को क्लीन करेंगे, आप देख सकते हैं क्लीन करके रख लेंगे। सबसे पहले पैन रखेंगे, पैन रखने के बाद से वो हीट हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और फिर ओनियन डाल के उसको पकाएंगे। जैसे उसका वाटर रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा, तो फिर उसके बाद टोमेटो डालेंगे, गार्लिक चॉप किया हुआ डालेंगे। फिर डालने के बाद से ग्रीन चिल्ली और मटन डालेंगे, डाल के इसको भूनेंगे थोड़े देर, यानी पकाएंगे इसको। उसके बाद से मसाले में हम तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, खड़ा लाल मिर्च और अजवाइन और कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और ज़ीरा पाउडर ले लेंगे। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। लेने के बाद इसको डालेंगे। डालने के बाद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से इसको ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। ढकने के बाद से मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। फिर पानी ऐड करेंगे, पानी गर्म किया हुआ ऐड करेंगे इसमें। अब देख सकते हैं यह मसाला भून चुका है। फिर इसमें गर्म पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे हाफ एन आवर छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं पूरे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, यानी पक गया है ये। फिर अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो गर्म पानी यूज करेंगे, यानी गर्म पानी करके फिर इसमें ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे, या फिर भुना रखना चाहते हैं तो भुना रखिए। अब देख सकते हैं मटन तैयार है। अब इसमें धनिया डालेंगे, डाल के मिला देंगे और फिर आपको दिखाता हूँ ग्रेवी रेडी हो गया है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फैसल सीड 786। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत मस्त आया। सो दिस इज़ होम मेड फूड। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।